गाना भी नहीं गाने देता भाई। अरे 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 ये पीछे ये पै पै हो रहा है ना, जय जय झूं जा क्या हो रहा है हमको ना, गंदा आवाज है ना इसका, गीतों का मतलब मन करता है कि बहुत गुस्सा आता है हमें कई बार, इतना शोर आता है, इतना शोर आता है कि क्या ही बताएं। एनीवेज रीडिंग करने आया है, सुनाई दे रहा है आपको, अभी बताओ। हमको समझ में नहीं आ रहा कि हमको गुस्सा करना चाहिए कि हंसना चाहिए, क्या करना चाहिए, कुछ नहीं समझ आ रहा। लेकिन सच बताए हमें बहुत गुस्सा आ रहा है, बहुत। क्या छोड़िए, पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए और टैरो रीडिंग्स के लिए, टैरो रीडिंग्स के लिए नहीं, टैरो क्लासेस के लिए, पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए और टैरो क्लासेस के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे मेल पर, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खुद देख लीजिएगा, ठीक है। और अभी रीडिंग का टॉपिक मोमबत्ती। अरे ये भी हरा, हम भी हरा, हम पे किसने हरा रंग डाला, खुशी ने हमारी हमें मार डाला, वो मार डाला, मार डाला, हाँ मार डाला। अरे हमको तो इस आवाज़ ने मार डाला है। तो कैंडल देख लिया आपने, ग्रीन कलर का कैंडल है। अरे हमारी टी शर्ट फट गई है, एक मिनट, फटी हुई टी शर्ट पहन के बैठे हैं, बताइए, इग्नोर कीजिएगा। और वैसे भी अभी तो हम आपको ये क्या बोलते हैं, आपको कैंडल दिखेगा ना, हम थोड़ी दिखाई देंगे, कैंडल का वो दिखना चाहिए ना हमको। अभी रुकिए, कितनी गर्मी में रीडिंग करनी पड़ रही है हमको, क्योंकि मोमबत्ती बुझ जाएगा ना। चलिए अब जो है रीडिंग स्टार्ट करते हैं। समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट की किसी को बहुत दरकार है करने की। एकदम हमें ये पहला मैसेज आया है, किसी को टाइम मैनेजमेंट करने की बहुत ज़रूरत है, टाइम बहुत वेस्ट कर रहा है कोई, ठीक है। ठीक है, ओके, तो अगला प्रश्न कंप्यूटर, अरे क्या बोल रहे हैं हम, अगला प्रश्न कंप्यूटर, अगला पढ़ाव, अगला, अरे अगला जो स्क्रीन है वो आप इस पे दिखेगा आपको, ठीक है, तो इस पे देखिएगा। दिखाई दे रहा है, अरे ये टेढ़ा कैसे हो गया है यार, बड़ा ही वाहियात। हाँ ठीक है, ये है, ठीक है, ओके, तो देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है।
रैंडम रीडिंग का हमें सबसे फेवरेट ना वही अच्छा लगता है, रैंडम रीडिंग। इसमें भी बहुत एनर्जीज जाती है हमारी। खैर एनीवेज, अगर कुछ कार्ड्स की जरूरत पड़ी तो वो भी हम लेंगे। क्या आपको वही दिखाई दे रहा है जो हमको दिखाई दे रहा है? ये द नाइट ऑफ वॉन्ड्स की, देखो ये घोड़ा है, घोड़े के ऊपर एक प्राणी है जिसका हाथ ऊपर है, तो ये सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। गाइस ये पहली बार हुआ है हमारे रीडिंग पे, ये बिल्कुल इमेज आप देखो, ये घोड़ा है और घोड़ा ऐसे झूमता हुआ बिल्कुल बहुत तेजी से, यहाँ पर एक नाइट है घोड़े के ऊपर एक बैठा हुआ है नाइट, और हाथ में सिक्स सोर्ड है, और ये जो पहला, ये जो एकदम से ये दिखाई दिया था, ये हमको किसी पर्सन की ही वाइब्स आई थी। देखा जाए तो ये हमको बिल्कुल एक पर्सन लग रहा है जो ऐसे बाहें फैला के ये क्या हो रहा है? अरे यार ये तो अनएक्सपेक्टेड है यार। गाइस समवन इज अबाउट टू रीच यू, रीच आउट फाइनली। हो सकता है कोई नया पर्सन हो, बट कोई आपको डिज़ायर करते हैं बहुत ज़्यादा, कोई आपसे आपको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, तो कोई आपके लिए कोई अच्छा प्रपोजल हो सकता है ये, और ये कोई पर्टिकुलर पर्सन हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे शाहरुख खान की बाहें फैला के ये पर्सन ऐसे करके होता है ना, कि होता है ना वो वाला पोज यार, अरे यार SRK, किंग SRK वाला पोज। आई होप आपको दिखाई दे रहा हूँ जो हम दिखाना चाहते हैं आपको। अरे यार हम कैसे दिखाएं आपको, हमको बहुत ही डेस्परेट हो रहा है, हमको आपको दिखाना है ये। आप ये देखिए, ये दिखाई दे रहा है आपको? अरे माय गॉड यार, माय गॉड। और ये देखो, अरे यार ये क्या हो गया, आई एम सो एक्साइटेड। फ्लावर्स, माय गॉड फ्लावर, इतना खूबसूरत सा। अगेन ये गिर के एकदम फ्लावर बना है, दो फ्लावर एक साथ, ये फ्लावर और ये फ्लावर एक साथ आके तुरंत कनेक्ट हो गए। आपकी एनर्जीज बहुत बैलेंस्ड है एंड यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ लव इनटू योर लाइफ। बाजीवा गाइस, गणेश जी आप पे ना गणेश जी की बहुत कृपा है, और यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम गॉडेस ऑल्सो, ठीक है, देवी माँ की बहुत कृपा है आप पे। यार खूबसूरत एनर्जीज है, माय गॉड, नज़र ना लगे भगवान जी। बैक एंड फोर्थ, कुछ ऐसा आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, बार बार आप आगे बढ़ते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं फिर पीछे चले जाते हैं। एक होता है ना आगे पीछे, जैसे गाड़ी को आगे पीछे करा जाता है, वैसी एनर्जीज किसी की हमें लग रही है जो बहुत कन्फ्यूजन में है कि करना क्या है आगे, तो बार बार आगे जाते हैं फिर पीछे आ जाते हैं, फिर आगे जाते हैं फिर पीछे आ जाते हैं, लेकिन किसी एक निर्णायक नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे हैं। ऐसी एनर्जीज है, कोई भी जॉब सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, जॉब से रिलेटेड एक मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे जो है जॉब स्विच करना चाहते हैं, अपनी करंट जॉब जो है स्विच करना चाहते हैं। कुछ लोगों को अभी हाल फिलहाल में बिल्कुल नई नई जॉब लगी है, और दीज पीपल आर स्ट्रगलिंग टू अडेप्ट दोज एनवायरमेंट, दैट एनवायरमेंट। ओके, तो कुछ लोगों को नई नई जॉब लगी है और वो उस एनवायरमेंट में अपने आप को ढलने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बात नहीं, समय लगता है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देर इज़ अ प्रोग्रेस। एक पी जैसा कुछ बन रहा है, जैसे प्रोडक्ट, किसी को अपना प्रोडक्ट कोई लॉन्च करना है, प्रोजेक्ट, कोई किसी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, कोई प्रोग्रेस हमें होती हुई दिखाई दे रही है। ये कोई रिलेशनशिप जॉब हो सकती है जिसपे आपको फाइनली यू विल बी एबल टू सी सम प्रोग्रेस। पी, ओके,
और ये कुछ कीवर्ड्स हमें पी से चैनल हुए हैं, ठीक है। ओके, किसी का टाइम मैनेजमेंट में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कोई अपने टाइम को ठीक से मैनेज नहीं कर पा रहा है, या तो बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं बैठे बैठे सोचने में ही, लेकिन प्लानिंग एग्जीक्यूट कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खाली बस सोचा हुआ है कि ये करना है लेकिन उस पर अमल फ़िलहाल किसी ने नहीं किया है, ऐसी एनर्जीज है। ठीक है, टेक अ पॉज, कोई बात नहीं, अपना टाइम अप ले रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपने जो प्लान किया है देखिए उस पर आपको एग्जीक्यूट तो एक ना एक दिन करना ही है, क्योंकि वो आगे बढ़ने के लिए ही आपने ऑब्वियसली वो प्लानिंग्स की हैं। कोई अग्रीमेंट, कोई डॉक्यूमेंट, कोई कॉन्ट्रैक्ट, एफिडेविट, लीगल, कुछ भी ऐसा हमें लगता है कि कोई कुछ साइन करने वाला है। बेसिकली ये कोई अग्रीमेंट हो सकता है, कोई कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कुछ लीगल पेपर्स भी हो सकते हैं जो यू आर अबाउट टू साइन। प्रॉपर्टी से जुड़े हुए ज़मीन जायदाद के कुछ कागजात, कुछ लोग रजिस्ट्री वगैरह कराना चाहते हैं, शायद ऐसी भी एनर्जीज आ रही हैं। ओके, कुछ लोगों ने यहाँ पे पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया है रिसेंटली, या पासपोर्ट अप्लाई करना चाहते हैं। बार बार बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जीज, आगे बढ़ते हैं फिर पीछे आ जाते हैं, फिर पीछे जाते हैं फिर आगे चले जाते हैं, बेसिकली ऐसा कोई है, कोई आप लोगों में से किसी की एनर्जीज ऐसी हैं जो बार बार स्टार्ट करता है ज़ीरो से फाइव पे पहुंचता है फिर ज़ीरो पे आ जाता है, और बीच का जो वो डिस्टेंस है उस पर वो बीच में स्टैगनेंट हो जाती है, स्टक रह जाते हैं, समझ नहीं आता है कि करना क्या है, ऐसी एनर्जीज किसी की हैं। ये कोई भी एनर्जीज हो सकती हैं, कोई सिचुएशन, कोई जॉब, कुछ ऐसा जिसमें आप शायद कुछ सोच रहे हैं, आपको जो कुछ करना है लाइफ में, कुछ भी हो सकता है। देखिए कोई रिलेशनशिप में भी अगर आप आना चाहते हैं या समथिंग, लेकिन वो बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जीज हैं यहाँ पे। आई एम सीइंग अ क्लोवर गाइस, अबंडेंस भर भर के आ रही है। क्लोवर आपको पता होगा क्या होता है, गूगल कर लीजिएगा क्लोवर, व्हाट इज़ अ क्लोवर, CLOVER, इट्स अ थ्री लीफ और फोर लीफ फ्लावर जो कि ग्रीन कलर का होता है। एग्जैक्टली वो आपको पत्ता ही लगता है लेकिन वो फ्लावर जैसा ही होता है, लेकिन वो क्लोवर होता है जो भी होता है वो आप देख लीजिएगा। ओके, आई एम सीइंग अ क्लोवर, लॉट ऑफ अबंडेंस एंड लॉट ऑफ लक यू आर अट्रैक्टिंग इन टू योर लाइफ, एंड लुक दिस इज अ ग्रीन कैंडल और यहाँ पर क्लोवर बना है, थ्री लीफ क्लोवर। अपना गम धुएं में मत उड़ाओ, किसके लिए है ये एनर्जीज, कोई बहुत स्मोकिंग कर रहा है, सिगरेट पी रहा है भाई, अपना गम धुएं में मत उड़ाओ, आपकी हेल्थ बहुत इफ़ेक्टेड हो रही है। कैंडल की फ्लेम देखिए कितना, आपको नहीं पता है वो आपको अंदर से कितना ख़राब कर रही है। सी, जैसे ही हमने ये मैसेज आपको दिया है तो कैंडल शांत हो गई, काम हो गई। प्लीज़ आप लोग अपने हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए किसी भी तरीके का। स्ट्रेस जो आप ले रहे हैं, देखिए स्ट्रेस सबको होता है, हम समझते हैं, हम नहीं समझेगा तो कौन नहीं समझ, कौन समझेगा बताइए, हम तो अच्छे से समझते हैं, लेकिन धुएं में नहीं उड़ा सकते ना, वो गलत है, धुएं में मत उड़ाइए। आई एम सीइंग अ फेस गाइस, आई एम सीइंग अ फेस, अ स्माइलिंग फेस, यहाँ पे लिटरली आईब्रोज है, एक खूबसूरत सा नोज है जो कि हंस रहा है, हंसता हुआ चेहरा यहाँ पे हमने किसी का देखा है, इसमें चेहरा है, क्या हमने इनको कहीं देखा है। सी, हमने इनका भी इनका चेहरा हंसता हुआ देखा था, ऐसा लगा जैसे एंजल की वाइब्स आई, लेकिन अभी वो थोड़ा सा उसमें कुछ इसमें जो है वो क्या बोलते हैं उसको, टेक्सचर कुछ अलग हो गया, तो वो बिल्कुल फेस डिफरेंट हो गया है, वो अब फेस रहा भी नहीं है, आईब्रोज, नाक, मुंह सब कुछ अलग हो गया, बट आई सॉ हैप्पी स्माइलिंग फेस, ऐसा लग रहा था जैसे एक एंजल है जो आपको गाइड कर रहे हैं, स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं,
एंसेस्टर्स यू आर वेरी प्रोटेक्टेड, यू आर वेरी प्रोटेक्टेड, यू आर एंड यू आर बींग वॉच्ड बाय स्पिरिट गाइड्स. आप पे नज़र रखी जा रही है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से. आपको कोई बहुत यहाँ पे एक लंग्स जैसा कुछ बन रहा है, एक लंग्स. हमने आपको अभी अभी सिगरेट की मैसेज दी है. जो लोग स्मोक करते हैं प्लीज़ आपके लंग्स पे बहुत ज़्यादा, देखिए कितना ज़्यादा यहाँ पे ग्रीन डार्क हो रहा है. यहाँ पे लाइट नहीं है, मतलब लाइट ग्रीन ये नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़्यादा जो है वो भर गया है. आप समझ रहे हैं? देखिए अपनी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, अपना ख्याल रखिए. बहुत सारे लोगों को आपकी ज़रूरत है, ये मैसेज हमें आया है. बहुत सारे लोगों को आपकी ज़रूरत है, तो आप ये मत समझिए कि आपकी किसी को ज़रूरत नहीं है. अरे हमारी तरह कौन सोचने लगा है यहाँ पे? यस, हमको ऐसा लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमको ऐसा लगता है हमारी किसी को ज़रूरत नहीं है. तो वही हमने इसलिए बोला कि हमारी तरह ऐसा कौन सोचने लगा है कि ज़रूरत नहीं है. बट स्टिल आपकी ज़रूरत यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ये एंजल्स ने बताया है. ठीक है, कोई यहाँ पे बाइक्स का शौकीन है, कोई नया कोई बाइक खरीदना चाहता है. एक मैसेज हमें आ रहा है कि अगर आप बाइक, टू व्हीलर कुछ भी ड्राइव कर रहे हैं, प्लीज़ वेयर हेलमेट. वेरी स्पेसिफिक, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, एक वार्निंग है एक तरह से. प्लीज़ ज़रूर बाहर निकलने से पहले एक बार ये याद रखिएगा कि आपको हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है. ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी मैसेजेस आज दिए हैं और इतने अच्छे से दिए हैं कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं है. अगेन आई एम गेटिंग प्रोग्रेस प्रोजेक्ट एंड प्रोडक्ट, समवन इज़ अबाउट टू लॉन्च अ प्रोडक्ट. अरे यार आप लोग कमाल कर रहे हो यार. अरे यहाँ पर तो कोई ट्रॉफी जीतने वाला है भाई, हमें एक ट्रॉफी की वाइब्स आई है. ट्रॉफी, कोई अवार्ड. अरे भाई आप लोगों को अवार्ड मिलने वाला है, हमारी रीडिंग ऐसा कौन सा सेलिब्रिटी देख रहा है जिसको अवार्ड भी मिलने वाला है? यार हमको बताते नहीं हो आप लोग, हैं कुछ नहीं बताते हो, बताओ हमसे भी चीज़ें छुपा रहे हो हैं? नहीं 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 नहीं, मत बताओ मत बताओ. अरे कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बहुत ही ख़राब लोग होते हैं, नज़र लग जाएगी. मत बताओ, अपने तक रखो. हमारी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, भगवान करे आप लोग भर भर के ट्रॉफी जीते हैं, अवार्ड ही अवार्ड जीते हैं, आपका अलमारी पूरा भर जाए अवार्ड से. जो भी कर रहे हैं आप अपनी लाइफ में, एक विन विन आउटकम हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है, बस जीत आपकी सुनिश्चित है. कुछ लोग यहाँ पे जो लोग अपने ज़िंदगी में छोटा नन्हा मेहमान चाहते हैं, तो वो भी होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है. बेबी प्लानिंग, ठीक है. कुछ लोगों का बहुत अच्छा फर्टिलिटी वाला टाइम है, तो भगवान जी आपको इस खुशी से नवाजेंगे बहुत जल्दी. ऐसी वाइब जा रही है. वाह यार वाह, अच्छा वो हमने ग्रीन कैंडल लिया है, बहुत ही अच्छे वाले मैसेजेस आए हैं. फ्लेम अगेन तेज़ हो गई है, हमें एक ईर्ष्यालु भावना लगी है. इतने अच्छाई में कुछ भी गलत ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है. आपसे कोई बहुत जलता है, बहुत मतलब बहुत जलता है. कैंडल की फ्लेम देखिए, आपसे बहुत जेलस है कोई, और लिटरली ये पर्सन इतना जल रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है. मतलब लिटरली इसका जो धुआं है वो इतना ऊपर तक जा रहा है यार, इतना ऊपर तक. ये तो हम जब बात कर रहे हैं तो हमारे हमारे जो हवा ब्लो हो रही है ना, उससे ये कैंडल ऐसे ऐसे हो रहा है. अदरवाइज़ इसकी फ्लेम बहुत तीव्र है इस समय. Someone is also highly attracted with you. Lustful vibes, yes.
ब्लैक यहाँ पे वो गिरा है. अट्रैक्शन होना एक अलग बात होती है, लस्ट फुल वाइब्स होना अलग बात है. समवन इज़ वेरी अट्रैक्ट हाईली अट्रैक्टेड टू यू एंड हैविंग अ लॉट ऑफ लस्ट फुल वाइब्स. ठीक है, लस्टी एनर्जीज है किसी को आपके लिए. और कोई ये अलग अलग इंसान हो सकते हैं या सेम हो सकते हैं, बट समवन इज़ एनवियस ऑफ यू लाइक लिटरली लाइक हेल. समवन इज़ एनवियस ऑफ यू लाइक लिटरली, इतना ज़्यादा बहुत. एक चीज़ हमें और यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपको लेके कोई एक पर्टिकुलर पर्सन बहुत ज़्यादा एफर्मेशंस वगैरह कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको. अरे क्या बोलते हैं उसको, मैनिफेस्टेशंस मतलब होता है ना. और ये डार्क एनर्जीज हैं, ईविल एनर्जीज हैं. यस, ईविल एनर्जीज हैं. मतलब किसी की इंटेंशंस ना आपको मतलब अच्छे इरादे से कोई आपको मैनिफेस्ट करता हो तो अच्छी बात हो, लेकिन यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्टिकुलर किसी की एनर्जीज आई हैं जो आपको बहुत ही मतलब लस्टफुल वाइब्स हैं और बस पाना चाहते हैं, ऐसी एनर्जीज आई हैं. ये पहले भी एक बार आई थी रीडिंग में, अगेन यहाँ पर आई है. कौन लोग हैं ऐसे, समझ नहीं आता कि क्या दिक्कत है. ज़बरदस्ती किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने का क्या मतलब है. गाइस, फर्टिलिटी हार्ट. ओके, हमने एक हार्ट देखा यहाँ पे. बहुत लवी डवी वाइब्स है, कोई आपको बहुत पसंद करता है, दिल में बहुत अच्छी वाली फीलिंग्स है किसी की आपको लेके. वेरी नाइस. बट आप ना इस समय बहुत फॉर्चून अट्रैक्ट कर रहे हो गाइस. और दूसरी बात, हमने आपको फर्टाइल से एक बात बताई है कि इस समय आप बहुत फर्टाइल एनर्जीज में हैं, तो थोड़ा अपना ध्यान रखिएगा. ठीक है, समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं. समझने वाले समझ जाएंगे, इंटेलिजेंट हैं आप लोग. ठीक है, हमसे ये सब चीज़ें नहीं बोली जाती है, हमको बहुत अजीब लगता है. अगेन आई एम सीइंग अ हार्ट. ओके, यहाँ पे दो तरह के लोग हैं. एक तो बहुत ज़्यादा अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इन दिनों, अपने हेल्थ का बहुत ध्यान रख रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है. और एक लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने हेल्थ पे बिल्कुल भी कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, अंटशंट खा रहे हैं और परेशान भी हो रहे हैं कि वेट बढ़ रहा है. लेमन सोडा कौन पी रहा है भाई, हमको एकदम से लेमन सोडा की वाइब्स आई है. गॉबलेट में, ग्लास में, कांच के ग्लास में कोई लेमन सोडा पी रहा है भाई. ग्रीन ग्रीन लाइम ग्रीन है, हमको भी दे दो यार. इतनी गर्मी में बैठ के रीडिंग कर रहे हैं, इतनी भयंकर गर्मी, पंखा बंद करके पियो पियो. वैसे भी गर्मी बहुत हो रही है, अच्छी बात है. नींबू जो होता है सारे टॉक्सिन्स को वो कर देता है, बॉडी से निकाल देता है, अच्छी बात है. पीजिए जितना नींबू पानी पी सकते हैं, भर भर के पिए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है. डिटॉक्सीफाई. ओके, डिटॉक्सिफिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी बॉडी को इस समय. कुछ लोग डेफिनेटली यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, आपके लिए भी एक मैसेज आ रहा है. प्लीज़ अपनी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करें इमीडिएट बेसिस पे. आपके लंग्स पे बहुत प्रेशर पड़ रहा है. इट्स अ वार्निंग, इट्स अ रेड अलर्ट. प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, स्मोकिंग तुरंत क्विट कीजिए. हमको इसको देख के एक ही चीज़ याद आ रही है, मतलब एक गाना चैनल हो रहा है. अभी म
मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। पता नहीं किसी के मन में ना कुछ दबी ख्वाहिशें हैं यार, बड़ा अजीब सा लगा हमको। लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने मन की बहुत सारे ख्वाहिशों को जीना चाहता है, वहीं पर ख़त्म भी कर रहा है। आप लोगों में से कोई आप ही की एनर्जीज हैं या आपसे जुड़े हुए किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जीज होंगी जिनके मन में बहुत कुछ है, पता है, बहुत सारी ख्वाहिशें हैं और वो उसको जीना भी चाहते हैं लेकिन गिव अप कर रहे हैं बीच बीच में। नहीं समझ आ रहा है कि वो पूरी होंगी भी कि नहीं, एक डाउट है, एक सेल्फ डाउट है खुद पर भी और दुनिया पर भी। सी कितनी बुरी तरीके से और कितनी, मतलब लास्ट में इतनी बुरी तरीके से ख़त्म हुआ है। जल जल के मतलब अपने ख्वाबों ख्वाहिशातों को किसी ने बहुत मारने के बाद जो है किसी ने गिव अप किया है, किसी ने गिव अप किया है। बहुत लंबे टाइम तक किसी ने स्ट्रगल करने के बाद फाइनली समवन हैज़ यू नो समबडी गिव अप, लाइक लिटरली कि हमसे ना हो पाएगा। अरे यार, अगर ये आप लोगों में से कोई है तो हम आपको बस इतना ही बोल सकते हैं कि परेशान मत होइए। देखिए, एक हर टाइम हर चीज़ें ना अपने अपने समय में ही होती हैं, तो और अगर ये किसी और की एनर्जी से तो हम उनको क्या ही बताएं, क्या ही बोल सकते हैं। बट समवन हैज़ डेफिनेटली यू नो किसी ने क्विट किया है, किसी ने गिव अप कर दिया है किसी चीज़ में। लेकिन अगर ये आप हैं तो हम आपको दोबारा बोलेंगे कि उठ के खड़े होइए, दोबारा से गिव अप नहीं करें, ठीक है। देखिए, सब कुछ भगवान का प्लान है, ये एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है। आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, ये कैंडल वैक्स लेके बैठे हैं, ये भी एक प्लान था इसलिए हम आए, ठीक है। अभी आप देखोगे ना इस वीडियो को तो वो भी एक प्लान है। अगर आप रात को देखोगे ना इस वीडियो को तो वो भी एक प्लान है। कल सुबह देखोगे, वो भी एक प्लान है भाई। वीडियो देखते देखते लाइट चली जाएगी, वो भी एक प्लान है। समझ रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है, तो आपको गिव अप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा जिसका जो प्लान चल रहा है, भगवान जी उसको उसी हिसाब से चलाएंगे, हैं। तो गिव अप मत कीजिए। लेट्स सी अगर हमको इसमें और भी कुछ दिखाई देता है तो। बटरफ्लाइज, वाओ, बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। छोटे मोटे बड़े बदलाव भी आ रहे हैं, और आप लोग उसको अच्छी तरीके से पार भी कर जाएंगे, हमें पता है, और पार कर भी रहे हैं नो मैटर व्हाट। अगेन हमको यहाँ पे गणेशा की इमेज दिखाई दी है, थैंक यू गणेशा, लॉर्ड गणेशा यहाँ प्रकट होने के लिए। अभी एक ऊपर से एयरक्राफ्ट गया है, मतलब एरोप्लेन गया है, और यहाँ पर भी हमको एक एरोप्लेन जैसा ही यहाँ पे वाइब आ रहा है। तो देर मस्ट बी सम काइंड ऑफ ट्रेवल इंक्लूडेड, ट्रेवल कमिंग इन योर लाइफ। एक प्लेन वाली वाइब्स, ऊपर से भी प्लेन गया है और उसी वक्त हमको यहाँ पर प्लेन की ही इमेज दिखाई दी। तो डेफिनेटली आप लोग बहुत जल्दी कहीं पर ट्रैवल करने वाले हैं, और ये कोई वर्क रिलेटेड ट्रैवल है। वाओ, मतलब लिटरली जैसे वैकेशन वगैरह होता है, डजंट हैव टू बी, लेकिन हमको ये वर्क, किसी काम कोई ऐसा काम का मौका मिलेगा जिससे आपको जो है बाहर ट्रैवल करना पड़े, कहीं पे भी प्लेन में।
लेट्स सी एनीथिंग एल्स. कनेक्ट विद योर इनर चाइल्ड. ठीक है, देखिए कभी कभार बच्चा बनना भी ज़रूरी है. ठीक है, हर समय मैच्योरिटी काम नहीं आती है. हर बात पे जो अपना बड़प्पन दिखाना वो बंद करें. कभी कभार थोड़ा सा बच्चे भी बनिए. ऐसे हमें एक मैसेज चैनल हुआ है तो स्पेसिफिक है, देख लीजिएगा किसके लिए है, किसके लिए बोला गया है. कि बहुत ज़्यादा आप मैच्योर बिहेव कर रहे हैं तो कभी कभी जो है आपको इमैच्योर बिहेव करने की भी ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, बच्चों के साथ बच्चे बनिए. बच्चे आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. इस समय आप छोटे बच्चों से अगर कनेक्ट करेंगे आपको बहुत सुकून मिलेगा. उनकी प्यारी प्यारी बातें, बच्चे मन के सच्चे होते हैं. ठीक है, उनकी प्यारी प्यारी बातें आपको बहुत हील करेगी. आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं छोटे बच्चों के साथ, कनेक्ट कर सकते हैं. ओके ओके, अनदर मैसेज आई गॉट. अगर आपको टाइम पास के लिए आपको कुछ भी नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ वॉच कार्टून, एनी काइंड ऑफ कार्टून. कोई भी आपको अच्छा लगता हो, पर्टिकुलर आपका फेवरेट कोई कार्टून हो, आप वो देख सकते हैं. अदरवाइज़ अगर आपको कार्टून कभी भी आपने ज़िंदगी में नहीं देखा है तो जस्ट ट्यून इन टू एनी काइंड ऑफ कार्टून. आई एम श्योर यू विल इन्जॉय. जिन्होंने ज़िंदगी में कार्टून नहीं देखा है, कभी भी कोई हिंदी कार्टून आप लगा दीजिए, आपको बहुत मज़ा आएगा. और अगर आप हमसे सजेशन लेंगे तो डोरेमोन जाके देख लीजिए, बहुत मज़ा आता है. ओके, ये बहुत ही कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है. कुछ लोग अपने हेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इन दिनों पे. हेयर एक्सेसरीज़ किसी ने लिया होगा, फीमेल्स स्पेशली, फीमेल्स जो हैं वो हेयर एक्सेसरीज़ खरीद रही होंगी, कलेक्ट कर रही होंगी. कुछ ऑनलाइन देखा होगा रिसेंटली या परचेज़ किया होगा हेयर से रिलेटेड. और कुछ लोग जो मेल हैं वो अपने हेयर पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड हैं. या तो उनके बाल झड़ रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे कि इतना हेयर फॉल क्यों हो रहा है. बेसिकली हेयर को लेके हमें बहुत कंसर्न दिखाई दे रहे हैं, मेल फीमेल दोनों. स्पेशली फीमेल तो भाई हेयर से जुड़े एक्सेसरीज़ वगैरह खरीदने में बिजी दिखाई दे रही हैं. और यहाँ पर जो मेल हैं वो अपने हेयर से रिलेटेड कुछ स्टाइल करना चाहते हैं. कुछ लोग हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहते होंगे. बेसिकली यहाँ पे कुछ लोगों के अगर बालों का कलर ग्रे हो रहा है, हेयर इज़ इफ़ देयर यू नो, अगर आपके बालों का कलर मतलब धीरे धीरे रंग उसका जा रहा है तो उसको लेके आप कंसर्न है. या फिर हो सकता है आपके बाल इतने ज़्यादा झड़ रहे हैं उसको लेके आप कंसर्न है. लेकिन एक कंसर्न हमें दिखाई दे रहा है, स्पेशली मेल्स. फीमेल्स को भी है ये प्रॉब्लम. वैसे हेयर को लेके हमने स्पेशली हमने आपको बोला, बालों को लेके कोई बहुत ज़्यादा कंसर्न है इस समय. व्हाट एल्स, लेट्स सी. नाइट ऑफ वंड्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स. वाओ, आपकी तरफ भाई बहुत तेज़ी से कुछ तो आ रहा है. ज़्यादातर ये हमें एक रिलेशनशिप का कोई ऑफर प्रेजेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, एक कमिटमेंट. और बहुत तेज़ी से आ रहा है. ठीक है, बिकॉज आई सॉ अ थ्री लीफ क्लोवर जो बहुत लकी होता है और वो अबंडेंस को अट्रैक्ट करता है. तो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स ऐसा नाइट नहीं है जो आएगा और चला जाएगा. बिकॉज थ्री क्लोवर जो है वो आपके लक को दर्शाता है. तो इट इज़ वेरी पॉजिटिव. एंड आई सो हार्ट ऑल्सो. ठीक है, तो दिल दे के देखो जी, दिल लेने वाले सीखो जी, ऐसा कुछ है ना गाना. ग्रीन कलर का स्टोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. ग्रीन कलर का स्टोन यानी ग्रीन स्टोन कौन कौन से होते हैं? ग्रीन एवेंचुरिन होते हैं, जैसे प्रेशियस और सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं. टोपैज होता है शायद, ग्रीन कलर का होता है. हिंदी में शायद पन्ना कहते हैं उसको. तो ग्रीन कलर के स्टोन्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं, आपको बहुत हीलिंग मिलेगी, बहुत अच्छा रहेगा. स्पेशली क्रिस्टल जो ग्रीन एवेंचुरिन होता है वो बहुत वो होगा. एकदम से ना हमें एक गाना याद आ रहा है और ये गाना हमको शायद सागर जी ने मतलब सब्सक्राइबर जो सागर हैं उन्होंने शायद हमको ये गाना एक बार सजेस्ट किया था गाने के लिए. हीरा की तमन्ना है के नहीं, पन्ना की तमन्ना है के हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए,
चाहे मेरा दिल जाए, वो पन्ना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ऐसा एक गाना है पुराना, जीना तमान और देवानंद है इस फिल्म में। एनीवेज तो ये आप लोगों की रीडिंग, हमें और कोई मैसेज यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, बट डेफिनेटली एक लव ऑफर, यू आर गेटिंग अ लव ऑफर वेरी सून, यस वेरी अनएक्सपेक्टेडली, ठीक है। हो सकता है ये इस पर्सन को आप जानते हो या शायद नहीं जानते हो, डजेंट हैव टू बी वॉट एवर द केसेस, बट एक लव ऑफर आपको मिलने वाला है। दो कार्ड्स, दो तीन कार्ड्स इसमें से लेते हैं कि देखते हैं इफ एनीथिंग कम्स आउट रिलेटेड टू द कैंडल वैक्स रीडिंग। बैक एंड फोर्थ अगेन, उसी चीज़ में जाते 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 आप आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर वापस चले जाते हैं, बैक एंड फोर्थ। टू ऑफ पेंटिकल्स, आप लोग कन्फ्यूज हैं, वो हमें शुरुआत में ही दिखाई दी थी। ये आप देख पाएंगे इसके पीछे जो है, यहाँ पे एक शिप है जो यहाँ पे आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। ये बोट, यहाँ पर भी एक बोट है, ये भी मतलब या तो पीछे आ रहा होगा या इधर को जा रहा होगा, बट ये जैसा इमेज है वैसा ही हम आपको बताएंगे। बट एक बैक एंड फोर्थ की एनर्जीज है, मतलब आगे पीछे आगे पीछे, ज़ीरो से वापस उसमें चले जाते हैं, फिर वापस ज़ीरो पे आ जाते हैं, और फिर कंफ्यूज होते रहते हैं कि कहाँ कौन से डायरेक्शन में जाना है। कैंडल वैक्स में भी आया और यहाँ पे कार्ड ने कंफर्म किया है। ओके, क्योटिक सिचुएशन। ओके, तो ये जो जगलिंग आप कर रहे हैं, ये बार बार आगे पीछे होता है, ये आपको एक मेंटल कॉन्फ्लिक्ट देता है। सिचुएशन बहुत टर्बुलेंट हो जाती है और आप समझ नहीं पाते हैं कि करना क्या है। और प्लीज़ अवॉइड एनी काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन द अपकमिंग डेज़, प्लीज़, इट्स अ रिक्वेस्ट। हम आपको एक मैसेज हमको यहाँ पे चैनल हुआ है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़िएगा आने वाले कुछ दिनों में, स्पेशली ठीक नहीं है आपके लिए, प्लीज़। किसी भी टर्बुलेंस, कहीं पर भी कोई टर्मोइल आपको दिखेगा, आप फ़ौरन वहाँ से भाग जाइए, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है इन्वॉल्वमेंट की। एंड आपने देख लिया होगा तो एक स्टेबिलिटी, आई सॉ समवन कमिंग टू गिव यू सम काइंड ऑफ अ कमिटमेंट, वो हमें दिखाई दिया था, क्योंकि हार्ट भी था और वो भी था, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिकॉज हम बोलने ही वाले थे, ध्यान रखिएगा, और वाकई में हाई प्रीस्टेस है तो ध्यान रखिएगा। आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी कि किसकी फीलिंग्स लस्टफुल है और किसकी फीलिंग्स जेन्युइन है, इंटेंशंस अच्छे हैं। ओके, थोड़े से कार्ड्स और लेते हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं। गिरने वाला था, नहीं गया है। आपसे वैसे एक पर्टिकुलर पर्सन एनवियस बहुत ज़्यादा है, ये बहुत एनवियस है, दिखाते हुए। ये कार्ड अभी बॉटम ऑफ द डेक पे था, स्टिल ये कार्ड यहाँ पर है। गाइस, किसी को ना आपसे बड़ी बड़ी परेशानी है और इन्होंने ना ठीक से आपको लेट गो नहीं किया है। किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को अभी भी मतलब बीच बीच में, और अच्छे इंटेंशंस नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस पर्सन के इंटेंशंस अच्छे नहीं हैं, बुरा सोचते हैं ये। ये आपको ना मतलब होता है ना कि भूले नहीं हैं आपको, कि कुछ भी आपके साथ अगर लाइफ में कहीं पर भी कुछ भी हुआ, कोई पर्टिकुलर पर्सन, कोई दोस्त आपके हो सकते हैं, ये इंटेंशंस अच्छी नहीं है। वो एक जेलस वाली एनर्जी से, हमें पहले भी कैंडल उसमें भी आई थी, ये वही पर्सन है जो बहुत जलते हैं आपसे। फायर साइन या फिर अर्थ साइन के ये पर्टिकुलर पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन और एरीज, लियो, सैजिटेरियस इस पर्सन के चार्ट्स में बहुत स्ट्रांग है। आप देख लीजिए ना, पेंटिकल्स और वॉन्ड्स का कार्ड आया है, ठीक है।
यू आर अबाउट टू एंटर अ न्यू फेज ऑफ योर लाइफ, ठीक है, आप सबको लेट गो आप कर चुके हैं और आप कर भी रहे हैं, बेसिकली यूनिवर्स ही इस चीज़ को लीड कर रहे हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, चीज़ें अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स और अकॉर्डिंग टू गॉड सब चल रहा है, ठीक है। सामने देखेंगे क्या है, आज हमने यहाँ पे सामने रखा है ये पेंटिंग, हमको एक्चुअली लगानी है तो ऊपर से लेके आए हैं, मतलब ऊपर रखा हुआ था ये, आज लगाएंगे अभी थोड़ी देर में हम इसको। ये दिखाई दे रहा है पंचमुखी हनुमान जी, ठीक है गाइस। यू पहली बात तो यू आर प्रोटेक्टेड, ठीक है, एवरीवन ऑल ऑफ यू आर प्रोटेक्टेड, क्योंकि एक स्माइलिंग फेस हमें कैंडल वैक्स में दिखाई दी थी, एंजल, बिल्कुल एंजेलिक वाइब्स थी उसमें, ठीक है। सडनली वो डिसअपियर हो गई क्योंकि ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जीज हमने उसके बाद धीरे धीरे ग्रैप करने हम लगे थे। एनीवेज बट यू आर प्रोटेक्टेड, और लॉर्ड गणेशा भी दो तीन बार कैंडल में कैंडल वैक्स रीडिंग में दिखाई दिए थे हमें, तो आपके सारे विघ्नों को हर लिया जाएगा, आप परेशान मत होइए, चीज़ें बिल्कुल अकॉर्डिंग आपके अकॉर्डिंग ही चल रही हैं, सब ठीक है। लेकिन बस यही है कि बैक एंड फोर्थ आप लोग जाते हैं, कन्फ्यूज़ होते रहते हैं, कोई बात नहीं, आपको अच्छा मार्ग, सही मार्ग जो है भगवान जी दिखाएंगे, डोंट वरी, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड, ऑब्वियसली यू आर प्रोटेक्टेड। और दूसरी बात, कुछ वार्निंग जो हमने आपको स्पेशली दी है उनका ध्यान रखिएगा कैंडल वैक्स में, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, आई होप रेजोनेट हुई हो, अगर नहीं भी हुई है तो कोई बात नहीं, किसी ना किसी की कलेक्टिव रीडिंग हमने एनर्जीज ग्रैप की है, और आपको तो पता है ना कलेक्टिव होती है तो बहुत सारे लोग देखते हैं, किसी ना किसी की तरह ऐसी एनर्जीज होंगी ही, तो ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी हो, तो अपने ऊपर मत लीजिएगा, ज़रूरी ज़बरदस्ती अपने ऊपर कुछ मत थोपिएगा, ठीक है। तो गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट, हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, आप हमारा थोड़ा देख सकते हैं, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, ठीक है। और देखते हैं अगर समय हमें हमारे पास मिला तो रैंडम रीडिंग हमारा फेवरेट टॉपिक है, वो करने की हम पूरी कोशिश करेंगे एक रैंडम रीडिंग भी, ठीक है, तो भी हम चलते हैं, और वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा बाकी जानकारी के लिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।